इसमें है शान कुछ सरासर जबरदस्ती है। अब तुम खड़े होकर यहाँ प्यार करो और मैं चला अपने घर। हम मारू की तिरछी नजरिया चल।
आपको नमस्ते नमस्ते बोल, क्या काम है? हमारा नहीं पड़ो काम बा, तो फिर आया पिछले बीच में हम हाँ। हमारे भैया हो भैया है तो ले जाकर घरे बैठा ले हम हाँ ऐसा है क्या से पहले बात समझ लो, क्या समझ लो बोल, हमारा मतलब क्या है? क्या मतलब है? प्यार कर प्यार जी प्यार जानते क्या होता है? क्या होता है भैया? तू क्या जानते कि नहीं? नहीं जानते हम, बताओ हाल की जान थे आधे नंदमय करे अच्छा जब और जब पैर हो पर जब बैठा रहो तो सामने ना सुनाए प्यार का मतलब मोटा सा प्यार होता है। पकड़ के बैठा रहो, पकड़ के बैठा रहो साला पिंटल। हाँ जी मैं तुमसे नहीं करूंगी। नहीं मैं नहीं होई, मैं कैसे कहती हूँ? अरे हम मरता है ना उसे ही भैया हमार बोल एनेस कर वो। हाँ भैया हमार हाथ रोक सही एक दाई कर के देखो अगर ना मर गई तो ना क्यों पाप से करें पाप बताए तो सही ना कैसे से करें वाह समझाए जो है ये बात ना ये बात यहाँ से तो जा यहाँ से जा कैसे करके मेरा पिंड छुड़ा यार इससे अरे साले पागल खानदानी पागल हो क्या तुम्हारी ना करता ही ठीक हाँ। क्या कह रहा है उनसे क्या कह रहा है कि मैंने तू चले जाए और तू बहुत हम जान रहे हैं भगाए थो पागल हे सैया मार जाइब पांच किलोमीटर बाया से सैया मार जाए रेलिया से काट के जी अपना ही हाथ के कल्टीवेटर है मुझे तो मालूम हो ही गया जोत दिया जो जोतना था लेकिन ये तुम्हारा प्रयास विफल ही रहेगा। अच्छा मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और ऐसा होगा मैं मर जाऊंगी। तो मर जाओ हमको लेकर जाओगी जाओ। अच्छा हाँ तुम्हें मर के दिखा दूंगी। तो मरो मरने में कोई प्रॉब्लम है तो लाइट पकड़ लो भी साफ हो जाओ। जाओ जी मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। तो मरो कैसे भी करके मरो। हाँ, मैं मर जाऊंगी। अब मर के दिखा दूंगी फरमादिन। अब हाँ हाँ आप सब भी देख लो मैं बगैर पति की सती होने जा रही हूं। अब आप
अभी तुम मरी नहीं। मरने जा रही हूँ। मरो। नंबर एक, नंबर दो, मर जाओगी राजा। नंबर तीन, बड़े भाई आलोक कुमार चाना, आलोक कुमार चाना ये 10 रुपया सिंध में चपकी चपका पे जलालाबाद में अब हमें यहाँ भर्ती पर आवा है। ये बताओ तुम मोहब्बत खर्ची पर से हो, हम तैयार रहन है, हम आना है पाए कौन बात है भैया हमार काहे मरते सामने परेशान कर सो। अब तो यहाँ से जा एक दाय भैया कहीं कहीं देखो ना पहले जाते भाव कहीं कहीं देखो अगर ना मर कहीं तो तेरू के जाए जाने जा तेरा प्यार में जो प्यार दिल पे है इस घड़ी दिल मेरा चकना क्या सच क्या आई लव यू जान। आप करो अब नहीं मरूंगी। आपको मालूम था। अच्छा देवी जी जी अब आपके जिद के आगे मजबूर हो गए आपसे मोहब्बत कर लिए मगर आप एक दूसरे को अपना पर्ची नहीं दिए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मनसा है। बहुत अच्छा नाम है लेकिन मनसा जी क्या मैं ये जान सकता हूँ तुम किसकी बेटी हो, कहाँ की रहने वाली हो और अकेले घने जंगल में आने का कारण क्या है? जी हाँ मैं खड़क सिंह की बेटी हूँ। फिर से बोलो। मैं खड़क सिंह की बेटी मनसा हूँ। मंत्री खड़क सिंह जी हाँ। ये भगवान ये तो हमारे दुश्मन की बेटी है जिसे मुझे परसों से तलाश है लेकिन मनसा क्या मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि इस घने जंगल में अकेले आने का कारण क्या है? जी हाँ एक हमारे बाबूजी का दुश्मन है। तुम्हारे बाबूजी का दुश्मन? जी हाँ। तो तुम्हें क्या लेना देना है उससे? क्यों नहीं बाबूजी का दुश्मन तो हमारा दुश्मन, मैं उसे गोली मारने आई हूँ। अच्छा अच्छा ये बकरिया कब से बेल लेना शुरू कर दी? तेरी की बुद्धू तुझे मालूम नहीं है। मालूम है यानी तुम्हारे बाबूजी का दुश्मन जिसे तुम मारने के लिए निकली हो? जी मनसा क्या है क्या मैं तुमसे ये भी पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे पिताजी का दुश्मन कौन है, उसका नाम क्या है जिसे तुम मारना चाहती हो? तेरी की क्या करोगे सब जान के, क्या हमारी मदद करोगे? मनसा जी अगर हमारे लायक होगा तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मनसा तो करोगे क्या अच्छा बुरा प्यार करोगे क्या अच्छा बुरा प्राणी प्यारी और पता मदद क्या करूं मैं तुम्हारी। हमारे लायक होगा तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बताओ तुम्हारे बाबूजी के दुश्मन का नाम क्या है जिसे तुम मारना चाहती हो? ठीक है अगर कहते हो तो बता देती हूँ, बताने में क्या हर्ज है। उसका नाम मोहन है। क्या मोहन? हे भगवान ये लड़की तो मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है। समझ गया ठीक है देखता हूँ लेकिन मनसा क्या है मोहन को तुम क्यों मानना चाहती हो? उसे बोला भाला शरीक इंसान होगा उसे मानना तो अच्छी बात नहीं है। तेरी की अरे भोला भाला होगा अपने घर का, हमारा तो दुश्मन है दुश्मन। अच्छा मैंने वही कह दिया
मेरी परछाई कुछ गड़बड़ है, तुम हमारे साथ रहोगी या हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो मोहन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो मत बलिए हुआ, हमने तुमसे जुबान हार गया और तुम्हें हमने वचन दे दिया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे मानसा। हम तुम्हें मोहन से अभी इसी वक्त इसी जगह पे तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा। मिला दो ना उससे। ठीक है, तुम्हारे पास कोई हथियार है? कैसे मारोगी उसे? है ना। दिखाओ। अरे हाँ भाई, मान गया, ये देखो, समझ गया। मान साहब, अब तुम थोड़े पल के लिए अपना मुखड़ा उधर घुमाओ और जब मैं तुम्हें आवाज दूंगा फौरन पीछे मुड़कर गोली चला देना। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं तुम्हें मोहन नजर आएगा। ठीक, चलो। तैयार हो गई हो? एकदम रेडी रहो मंथा। तुम्हारे हाथों से बंदूक की छूट गया। मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकती, इसीलिए कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, इसीलिए ना। इससे पहले मैं तुम्हारे बाप का दुश्मन हूँ, हम उसे कहीं भी पाएंगे तो मार देंगे, कबूल है ना? सोच क्यों रही हो? ऐसा मत बोलो ना। फिर क्या बोलूं? दुश्मन तो दुश्मनों का मनसा। हम ये आपका बाप, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ठीक है मनसा, लेकिन मनसा वापस जो अपने घर जाओगी तो अपने बाबूजी से जवाब क्या दोगी? तुम्हारे लिए तो झूठ बोलना पड़ेगा, कह दूंगी कि मुझे नहीं मिला। चलो वो भी ठीक है। अच्छा मनसा, आप जाओ अपने घर, क्योंकि तुम्हारे बाबूजी रस्सी लेकर हमको इंतजार करते होंगे कि हम पहुंचे तुरंत बांधे हो।
भैया। अब मैं चलूँ ना जी। मैं साहब जी। अच्छा टाटा बाय।